कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हाल ही में बाइनेंस में एक लर्न एंड अर्न का ऑफर चल रहा था जो 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ और लगभग 3 राउंड हुआ, 8:30 बजे, 1:30 बजे और 7:30 बजे। ये 3 राउंड पे ये बाइनेंस का जो ऑफर है वो रहा था। जिस भाइयों ने ये ऑफर को कंप्लीट किया उसको लगभग $5 से लेके $10-15 तक बेनिफिट हो गया है। दोस्तों बहुत बढ़िया बेनिफिट हो गया है, मेरे वॉलेट पे बैलेंस देखोगे तो $17 है। तो दोस्तों आपका भी लगभग $3 से लेके $4 का बेनिफिट हो गया है। अभी आपके मन में सवाल आते हैं ये क्रिप्टो टोकन को हम कैसे विथड्रॉ करेंगे, तो दोस्तों आज के लिए प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो ले आया हूँ। वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप इजीली तरीके से विथड्रॉ कर सकते हैं और इसे एकदम बेसिक तरीके से विथड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अभी सबसे पहले आते हैं आपको रिवार्ड कहाँ पर मिलेगा। देखो दोस्तों रिवार्ड देखने के लिए सबसे आपको होम वाला ऑप्शन के ऊपर जाना है। अगर आपके बाइनेंस के ऊपर इसमें लाइट ऑप्शन ऑन है तो इसको आपको बल कर देना है। कर देने के बाद आपके सामने प्रो पर्सन आ जाएगा। तो इसमें देखो सबसे सेकंड नंबर वाला रिवार्ड सेंटर आपके सामने आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो कॉइन आपको लगा है वही कॉइन आपको दिखाया जाएगा इसमें। तो देखो इसमें मेरा जो एक वाउचर कॉइन है वो शिप कॉइन मैंने कंप्लीट किया, BUSD को मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। ये 2 और 3 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले रिडीम वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हर एक ऑप्शन रिडीम वाला आपको रहेगा, रिडीम वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर से रिडीम वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जितना भी सारा आपको टोकन पड़ा हुआ है इसमें सब इसमें ऊपर आपको आ जाएगा, इसको रिडीम वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों इसको करना है बैक करने के बाद सबसे लास्ट वाले वॉलेट के ऊपर आपको आना है। आने के बाद आप देखोगे आप कितना सारा कॉइन इसमें अर्न किया है, देख सकते हो मेरे $17 है, अभी देखो $18 हो गया है, तो लगभग $1 बढ़ चुका है। अभी देखो दोस्तों आपके पास अलग अलग कॉइन रहेगा, एक होगा कोटी कॉइन, एक होगा वन कॉइन, एक होगा QTUM कॉइन, एक होगा BUSDT कॉइन, एक होगा शिप कॉइन। तो ऐसे करके अलग अलग जो कॉइन में आपने पार्टिसिपेट किया सेम कॉइन आपको थोड़े थोड़े कॉइन मिल जाएगा, $1 करके, ठीक है। अभी दोस्तों इसको रिडीम करने के लिए सिंपल सा आपके अकाउंट पे $10 होना चाहिए, $10 से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब $11 आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो इसमें मिनिमम ट्रेड जो है वो $10 के ऊपर को ट्रेड बाय और सेल करना है। लेकिन आपके अगर वॉलेट पे देखा जाए तो इसमें देखो सिर्फ $1 करके टोकन मिल गया है, तो ये आप बाय सेल नहीं कर सकते। तो $10 का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। अभी दोस्तों डिपॉजिट कैसे करना है, डिपॉजिट आप सिंपल से WZX से कर सकते हैं या CoinDCX से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों CoinDCX में सबसे खास बात ये है मिनिमम डिपॉजिट अभी 3,000 रुपये कर लिया गया है। दोस्तों CoinDCX अभी काफी बढ़ गया है इसमें डिपॉजिट सिस्टम का। तो अभी देखो क्या करना है, आपके सन क्रिप्टो को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों सन क्रिप्टो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या मैं पूरा वीडियो का लिंक सन क्रिप्टो में कैसे आप करोगे। सन क्रिप्टो में सबसे बड़ा फायदा यह है अगर आप सन क्रिप्टो में अकाउंट करते हैं तो आपको 100 रुपये इंस्टेंट दे दिया जाएगा बिटकॉइन और इथेरियम। तो दोस्तों 50-50 करके बिटकॉइन और इथेरियम आपको दे दिया जाएगा, टोटल 100 आपको दे दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा सन क्रिप्टो। तो सन क्रिप्टो में अगर अभी तक अकाउंट नहीं किया तो सबसे बेस्ट होगा सन क्रिप्टो में आप आ जाओ। सन क्रिप्टो में आने के लिए सब कुछ वेरीफाई वगैरह कर लो, मैं क्रिप्टो का वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वो वीडियो को पहले देखना है। देखने के बाद सब कुछ वेरीफाई वगैरह कंप्लीट होने पर इंस्टेंट वेरीफाई हो जाते हैं। अभी दोस्तों कंप्लीट होने के बाद INR डिपॉजिट वाला ऑप्शन के ऊपर जाना है। डिपॉजिट ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद इंस्टेंट विथड्रॉ वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नेम। तो आपको क्या करना है, आपका पेटीएम और फोन पे जो आपके पास है ये बैंक अकाउंट के अंदर आपको 1,000 रुपये सेंड कर देना है, मतलब 1,000 रुपये आपको डिपॉजिट कर लेना है, क्योंकि $10 का मिनिमम आपको लगभग 780 रुपये 810 रुपये करीब लग जाएगा। तो 1,000 आप डिपॉजिट करोगे तो 990 रुपये आपके अकाउंट के ऊपर मिल जाएगा, या आप 1,010 रुपये भी डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, ये सन क्रिप्टो में बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस WZX या CoinDCX में भी आपको करना है। अभी दोस्तों डिपॉजिट करने के बाद आपको सीधा नीचे आना है, नीचे आने के बाद इसमें एक TRX करके लिखा है ना, ये TRX के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बाय वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आप जो पैसा मतलब डिपॉजिट किया 1,000 रुपये तो इसमें 100% आपको चूज कर देना है। 100% चूज करने के बाद आपको इसमें पे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इंस्टेंट 1,000 रुपये का TRX बाय हो जाएगा। अभी दोस्तों TRX हो गया बाय। अभी दोस्तों इसको कैसे हम ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर करने के लिए सिंपल सा पोर्टफोलियो ऑप्शन के ऊपर जाना है। पोर्टफोलियो ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद दिखा रहा है BTC, तो आपके सामने दिखा रहेगा TRX और इसमें अमाउंट दिखाएगा, लगभग 1,000 रुपये आपको दिखाएगा, जो आप TRX डिपॉजिट करोगे वही आपको दिखाएगा। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा TRX के बगल में जो विथड्रॉ वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपके सामने आ जाएगा न्यू एड्रेस और अभी जाना है आपका बाइनेंस के ऊपर। दोस्तों बाइनेंस के ऊपर जाने के बाद अभी दोस्तों आपको जाना है स्पॉट वॉलेट के ऊपर। स्पॉट वॉलेट पर जाने के बाद आपको डिपॉजिट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में सर्च वाला ऑप्शन आएगा, इसमें लिखना है TRX। आपके सामने TRX वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें सिलेक्ट करना है TRX 20 को सिलेक्ट करना है, TRX TRC 20 को सिलेक्ट करना है।
करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कोड, तो ये वाला जो कोड है ये कोड, और इस बगल में देखो कॉपी वाला आइकॉन है, इसको बस कॉपी के ऊपर क्लिक करो, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। हो जाने के बाद सन क्रिप्टो में आ जाओ, आने के बाद ये जो एड्रेस वाला सेक्शन है, ये एड्रेस वाला सेक्शन, इसके ऊपर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ऊपर में इंटर नाम के अब आप लिखा होगा ट्रॉन, ट्रॉन लिख दो, TRON, ट्रॉन लिख के प्रोसेस के ऊपर क्लिक करो। दोस्तों प्रोसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रॉन का एड्रेस आ जाएगा। अब दोस्तों एड्रेस आने के बाद आप जब करोगे ये एड्रेस वाला सेक्शन के ऊपर आप टैप करो, आपके सामने एड्रेस आ जाएगा और इसमें 100% को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये सेंड वाला जो आइकॉन है सबसे नीचे सेंड वाला आइकन के ऊपर क्लिक करो, ईमेल पे एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, उस सेंड के ऊपर क्लिक करो। इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके जितना सारा TRX है सब TRX के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एक से दो मिनट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कहां पर देखने को मिलेगा, दोस्तों देखने को मिलेगा जैसे देखो मेरे पास है TRX, मैं सेम प्रोसेस से डिपॉजिट किया, मेरे पास TRX अवेलेबल है, जैसे 219 TRX अवेलेबल है जिसका वैल्यू है $14, ठीक है $14 इसमें अवेलेबल है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा TRX आपके पास है, अभी दोस्तों TRX डिपॉजिट होने के बाद सबसे पहले मेन पॉइंट आपको आना है, आपको देखना है कौन कौन कॉइन अवेलेबल है, कौन कौन सा कॉइन अवेलेबल है, कोटी कॉइन, वन कॉइन, QTUM कॉइन और BSUD कॉइन आपको अवेलेबल है। अगर आपके पास और भी कॉइन टोकन है तो बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी क्या करना है, सबसे मिडिल पॉइंट पे ट्रेड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जाना है। सबसे ऊपर में जो इसमें जो आपको आएगा BTC pair आएगा, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है, टैप करने के बाद इसमें लिखना है TRX, ठीक है इसमें लिखना है TRX, सबसे पहले आ जाएगा TRX USDT, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद इसमें आ जाएगा लिमिट ऑर्डर, तो लिमिट ऑर्डर की जगह क्लिक करके आपको मार्केट को चूज कर देना है, कर दिया। अभी इसमें 100% को चूज कर देना, देखो 100% चूज करने के बाद सेल TRX के ऊपर क्लिक करना है। देखो अभी इसमें क्या किया, जितना सारा TRX हुआ हम USDT के ऊपर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है मतलब TRX से USDT पे आ गया। अभी मेरे पास 14.16 USDT है। अभी दोस्तों मेरे पास क्या कॉइन है मैं यहां पर फिर से देख लेता हूं, कोटी कॉइन है, वन कॉइन है, QTUM कॉइन है और BUSD कॉइन है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से ट्रेड वाला ऑप्शन के ऊपर आना है, पर मैं जो TRX USDT लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरे पास है कोटी कॉइन, ठीक है, तो कोटी कॉइन को मैंने सर्च कर लिया, COTI कोटी कॉइन को सर्च करने के बाद कोटी USDT आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, जितना सारा आपके पास USDT है वो USDT से कोटी कॉइन बाय कर लेना है। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा देखो मार्केट वाला ऑप्शन को चूज कर रखना है, इसमें 100% को चूज कर देना है, कर देने के बाद आपको बाय कोटी कॉइन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें बाय कोटी कॉइन, इंस्टेंट के इंस्टेंट आपका सारा पैसा टोटी है कोटी कॉइन का बाय हो जाएगा। अभी दोस्तों इंस्टेंट सेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, 100% के ऊपर क्लिक करो और सेल कोटी कॉइन के ऊपर क्लिक कर दो, बस आपका ये कोटी कॉइन का काम हो गया खत्म। अभी दोस्तों आपके सामने आ जाएगा $15, ठीक है। तो कोटी कॉइन अगर फिर से वर्ल्ड के ऊपर जाओगे, थोड़ा बहुत रिफ्रेश वगैरह करोगे तो देखो आपके पास कोटी कॉइन नहीं है, और कोटी कॉइन है भी तो 0.12, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, तो मतलब विड्रॉ हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से देखो मेरे पास है वन कॉइन QTUM कॉइन, तो फिर से ट्रेड के ऊपर जाऊंगा, कोटी USD पेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, इसमें QTUM टोकन को हम लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा USDT पेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वाला प्रोसेस, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, 100% करेंगे, 100% के ऊपर क्लिक कर दिया, बाय QTUM के ऊपर क्लिक कर दिया, सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, 100% के ऊपर क्लिक कर दिया, सेल QTUM के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो हो गया काम, आपके सामने जो डॉलर बन गया वो होता है $15.98 मेरे अकाउंट पे आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों फिर से क्या करना है, देखो तो देखो अगर आप फिर से वॉलेट के ऊपर जाओगे तो देखो आपके पास जो कोटी कॉइन था और QTUM कॉइन था वो नहीं है, अभी आपके पास है सिर्फ वन कॉइन, ठीक है। तो वन कॉइन से कितना है, $1.05, तो हमको फिर से ट्रेड के ऊपर आना है, QTUM आना है, इसमें लिखना है वन कॉइन, तो वन USD पेयर आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, फिर से बाय वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, 100% के ऊपर क्लिक करना है, बाय वन के ऊपर क्लिक करना सक्सेस हो जाएगा, सेल के ऊपर क्लिक करना है, 100% के ऊपर क्लिक करना है, सेल वन के ऊपर क्लिक करना है, बाय सेल हो जाएगा। अभी देखो आपके सामने $17 हो गया USDT, ठीक है, मतलब जितना सारा टोकन हुआ आपके पास ऐसे करके आपको सर्च करना है और बाय और सेल करके USDT के ऊपर ले आना है, मतलब USDT के ऊपर आपको ले आना है, ठीक है, मतलब सारा जो पैसा USDT के ऊपर ले आया। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपल से देखो USDT के ऊपर ले आने के बाद आपको मान के चलो 10 ऐसा टोकन है जो एक एक करके बाय किया और USDT के ऊपर लेके आया। अभी दोस्तों क्या करना है, देखो मेरे पास अभी कोई कॉइन अवेलेबल नहीं है, सब मैंने USDT के पेयर के ऊपर ले आया। अभी दोस्तों सिंपल सा वन USDT के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऊपर में सर्च वाले ऑप्शन पे फिर से मैंने लिखूंगा TRX, क्योंकि हमारा जो है काम वो हो गया, हम सारा कॉइन इकट्ठा कर लिया USDT के ऊपर। अभी दोस्तों क्या करना है, ये जो कॉइन है इसके ऊपर क्लिक करता हूं, TRX USDT के ऊपर क्लिक करूंगा, जितना सारा USDT है मैं TRX के ऊपर ले आऊं, क्योंकि USDT के ऊपर विड्रॉ करोगे तो चार्ज 1 USDT आपको लग जाएगा। अभी दोस्तों आपके पास जितना सारा USDT है हम TRX के ऊपर ले आएंगे, तो इसके लिए 100% के ऊपर फिर से चूज करना है और बाय TRX के ऊपर क्लिक करना है। अगर देखोगे 261 मेरे पास TRX अवेलेबल हो गया है। वॉलेट के ऊपर जाएंगे, थोड़ा रिफ्रेश वगैरह करेंगे, नीचे देखेंगे मेरा TRX है 261, मतलब $17 का TRX मेरा अवेलेबल हो गया है और मेरे पास एक BSUSD कॉइन है। सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया और वो इसको मैंने रहने देते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों सिंपल सा इसको विड्रॉ कैसे करेंगे, तो सब का है तो मैंने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके TRX को मैंने बाय कर लिया। बाय करने के बाद फिर से आपको नीचे वॉलेट के ऊपर आना है, स्पॉट के ऊपर आना है और इसमें विड्रॉ
वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑडियो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर वाले सर्च वाला ऑप्शन का जगह इसमें लिखना है टीआरएक्स। क्लिक करने के बाद आपके टीआरएक्स आ जाएगा, टीआरएक्स के ऊपर क्लिक करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा वाला ऑप्शन आ जाएगा, बस इसको खुले रहने देना है। फिर जाना है आपका सन क्रिप्टो अकाउंट के ऊपर और इसमें बैक वगैरह कर लेना है। बैक वगैरह कर लेने के बाद आपको सबसे इसमें देखो साइड में आना है पोर्टफोलियो का ऑप्शन, तो ये जो पोर्टफोलियो का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जाना है। ऊपर में एक सर्च वाला आइकॉन है, इसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है टीआरएक्स। ठीक है, टीआरएक्स आ जाएगा। आने के बाद इसमें देखो हम उधर से करेंगे विदड्रॉ तो इधर से करेंगे डिपॉजिट, क्योंकि पैसा मेरे को इधर लेके आना है। ठीक है, तो डिपॉजिट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस शो हो जाएगा, देखो ये एड्रेस शो हो गया, इसको बस करना है कॉपी, मैंने कर दिया कॉपी। फिर आ गया बाइनेंस के ऊपर और जो कॉपी किया सबसे पहले एड्रेस वाला ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। करने के बाद ये वाला जो है वो ऑप्शन TRC20 को सिलेक्ट करना है, अच्छे से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TRC20 को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, कर देने के बाद आपके सामने आ जाएगा मैक्स वाला ऑप्शन, देखो साइड में मैक्स के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जितना सारा टीआरएक्स है वो आ जाएगा। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, सबसे लास्ट ऑडियो पर क्लिक करने के बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और इसमें देखो एक टिक वाला ऑप्शन है, ये टिक वाला ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा बाइनेंस का और आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो सिंपल सा सेंड कोड की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, दोनों पे सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी दोस्तों ओटीपी वगैरह मैंने सबमिट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने सबमिट कर दिया। अभी दोस्तों सबमिट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे विड्रॉ जो है प्रोसेसिंग पे आएगा, 1 से 3 मिनट के अंदर जितना सारा टोकन आपके पास है वो सन क्रिप्टो के अंदर चला जाएगा, पूरा $17 का। ठीक है, तो सन क्रिप्टो के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं सन क्रिप्टो डिपॉजिट किया तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट टाइम लगा और जितना सारा टोकन फाइनेंस से मैंने सन क्रिप्टो में डिपॉजिट किया था टीआरएक्स सब मेरे पास आ गया। अभी मेरे वॉलेट के ऊपर बैलेंस है वो 1388 रुपए का बैलेंस है। अभी देखो टीआरएक्स मेरे पास कितना है, 260 टीआरएक्स है। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा बैक के ऊपर क्लिक कर दो, आप इसमें पोर्टफोलियो के ऊपर देख सकते हैं आपके पास कितना टीआरएक्स है। होम के ऊपर आना है, होम के ऊपर आने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और फिर से टीआरएक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया, अभी सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको 100% के ऊपर चूज कर देना है। 100% के ऊपर चूज करने के बाद नीचे पे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, एक जो पिन सेट किया वो पिन को आप दे रहा है, डन के ऊपर क्लिक करो। इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके जो टीआरएक्स हैं वो सेल होकर आपके आईएनआर के ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों कैसे आप देखोगे आईएनआर के ऊपर आया कि नहीं, बैक कर दो, सिंपल सा पोर्टफोलियो ऑप्शन के ऊपर जाओ। आने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने जो INR वाला ऑप्शन है वो 1326 रुपीस है और कोई भी TRX अवेलेबल नहीं है, सब TRX मैंने INR पे सेल कर दिया। अभी सिंपल सी ये आप बैंक अकाउंट पे ले सकते हैं अपना, इंस्टेंट इंस्टेंट विड्रॉ हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, देखो सिंपल सा INR विड्रॉ वाला ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। INR जाने के बाद सिलेक्ट बैंक अकाउंट, जो आपने बैंक अकाउंट डाला था, मैंने जब बोला था अकाउंट करने के टाइम, जैसे मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक डाला था, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, जो 1324 रुपीस मेरे का बैलेंस है तो 1324 रुपीस को मैंने इसमें सिलेक्ट करूंगा। प्रोसेस के ऊपर मैंने क्लिक करूंगा, प्रोसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद पिन सेट करने के लिए बोलेगा, पिन सेट करूंगा और इसमें करने के बाद इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा 1326 रुपए। तो आप देख सकते हो मेरे अकाउंट पे 1304 रुपए, मतलब 10 रुपए का चार्ज कटा और जितना सारा पैसा है मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर आ गया। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है, वीडियो लंग हो सकता है लेकिन ये वीडियो आराम से देखो, पूरा सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाओ कोई भी अपडेट लूट वीडियो का सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों चलो मिलते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो, बाय बाय।